जिंदाबाद है जमीयत जिंदाबाद, उम्मते मदहोश को तूने किया बेदार है, तुझसे वाबस्ता उम्मीदे मिल्लते नादार है, तू सिपाहे सर फरोशा लश्कर आरार है, तू सिपाहे सर फरोशा लश्कर आरार है, बरसरे पैकार है तू काफिला सालार है, जिंदाबाद जिंदाबाद है जमीयत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद है जमीयत जिंदाबाद, पैरवी ए रानुमाए दो जहां सरकार से, सैयदी ओ मुर्शदी के ना खुदा अफकार से, फिर निकल आई है ना ओ पंजाए मजदार से, आए हैं किरदार या फिर आन के शद्दाद के, हो गए नाकाम हर बेजुल्म इस तबदाद के, हो गए नाकाम हर बेजुल्म इस तबदाद के, तू सुनाए कलमे हक सामने जल्लाद के, मुजदाए फसले बहारा गुलशने इस्लाम को, आओ बदले हम उजालों में अंधेरी शाम को, आओ बदले हम उजालों में अंधेरी शाम को, बच के जाए ना अदू ललकार के इस्लाम को, जिंदाबाद जिंदाबाद है जमीयत जिंदाबाद। आबाद الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وقالوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، واقيموا الصلاة واعطوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. محترم برادران الاسلام ابي جان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت ایمان سے مالا مال فرمایا اور اسلام کی بے بہا دولت سے نوازا. درود و سلام ہو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور خصوصاً آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کائنات حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرمایا، جن پر جن کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج زیر سر فرمایا، اور جن کے اسوہ حسنہ کو قیامت تک سارے انسانوں کے لیے ایک نمونہ اور نجات کا ذریعہ بنایا. حضرات، آج آپ ایک عظیم اجتماع میں شریک ہیں، اور خدا کے فضل سے اجتماع کے موقع پر جمعہ مبارک کا دن ہے، اور آج اس مسند سے خود اس اسٹیج سے خود میں جمع دیا جا رہا. اس موقع پر موقع کی مناسبت سے اور آج اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کے لحاظ سے اس سے بہتر میرے نزدیک کوئی ہدایات نہیں
और नहीं हो सकती हूँ जो कि मुझका अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर अहले ईमान को खिताब फरमाते हुए की है और आयात को आगे फरमाया है। सूरह की ये आयात जिनकी मैंने अभी आपके सामने तिलावत की, आप इन पर गौर करेंगे तो तमाम अहले ईमान के सामने एक वाज़ह रास्ता, एक वाज़ह मंजिल, एक वाज़ह काम नया भी खुलकर और बिखर कर सामने आता है। इसके बाद वो ये कह नहीं सकता किसी को कहने के लिए इस बात का मौका बाकी नहीं रहता, उस पर मंजिल वाजे नहीं, उस पर राह वाजे नहीं, उस पर उसका काम वाजे नहीं और वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं जानता। ये आयात ऐसा मालूम होता है कि जिस तरह आफ्ताब बिल्कुल नहा पर पहुंचकर नया भी सावधानी के साथ पूरी कायनात को रोशन कर रहा होता है, इसी तरह ये आयात राह और मंजिल के ऊपर इतनी तेज और वाजे और सीधा नहीं है कि फिर इसके बाद इस राह और इस मंजिल का कोई पहलू भी न मुहा रहता है न मुस्तवा रहता है, बहुत ही वाजे और साफ होकर हमारे सामने आता है। इस राह के सारे पेट और खम, इस राह के सारे लश्कर व फराज बहुत ही वाजे तौर पर हमारे सामने आते हैं उसूली तौर पर। मैं सबसे पहले इनका तर्जुमा आपके सामने पेश किए देता हूं, इसके बाद मुख्तसर इसकी वजाहत भी करूंगा। खिताब अहले ईमान से है, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए हो अल्लाह के आगे झुक जाओ। खिताब अहले ईमान से है और मुतालिबा यह है कि खुदा के आगे झुक जाए पूरे शुरू के साथ और हुजूरिये कल्ब के साथ, जिसको जान के साथ अपनी रूह जिस्म के साथ अपने पूरे वजूद के साथ हम उससे आगे झुक जाए। पहला मुतालिबा मस्जिदू बात रुकू पर खत्म नहीं हो रही। दूसरा मुतालिबा यह है कि खुदा के आगे सतरेज हो जाओ, खुदा के आगे अपने आप को डाल दो, अपनी पेशानी को जमीन पर टिका दो, अपने पूरे वजूद की चिंतों में डाल दो, इस तरह कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे वजूद का कोई हिस्सा और कोई बोझा भी उसके आग और बंदगी के दायरे से बाहर रहने ना पाए। पूरे वजूद के साथ तो अपने आप को खुदा के आगे डाल दो। सजदा एक अलामत है, एक अलामत की निशान है और इसकी हैसियत को भरकर हमारे सामने आता है। एक बंदा है खुदा जो खुदा पर ईमान रखता है, उसे उसका ईमान हासिल है और वो ईमान रखता है अपने रब को आदिम मालिक रब राजी और मामूल मानकर अपने पूरे वजूद को उसके हवाले करता है और अपने आप को उसके आगे डाल देता है। और उसको सुधू भी नहीं और बंदगी अख्तियार करो, रब की बंदगी अख्तियार करो, यानी एक रुकू और सुधू नहीं क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी खुदा की बंदगी में बसर होनी चाहिए, तुम्हारी पूरी जिंदगी खुदा की बंदगी के रंग बिरंग जानी चाहिए। सिर्फ अल्लाह उमन अख्तर अल्लाह का रंग और अल्लाह के रंग से कहता नहीं किसका रंग और हम उसी की बंदगी करने वाले हैं। रुकू और सुजूद और पूरी जिंदगी को खुदा की बंदगी में दे देना, इस तरह देना कि पूरी जिंदगी खुदा की बंदगी बन जाए। और अनुरोध खेल लाल लगन पुतले हूं और नेक काम करो, हमारे खैर करो, शायद कि तुम्हें फला हासिल हो जाए, शायद कि तुम्हें फला हासिल हो। चार बातों की तरफ की जा रही है, रुकू सुजूद बंदगी रख और अमल खैर। अहले ईमान को खिताब करके एक एक छोटे मोमिन से इस बात का मुताबा किया जा रहा है, एक एक छोटे मोमिन को खुदा के आगे झुक जाना चाहिए, अपने आप को खुदा के आगे डाल देना चाहिए, उसी की बात को नहीं करनी चाहिए और अमल खैर से अपनी जिंदगी को आराम करते हुए अपनी जिंदगी को खैर का मुजस्सम नमूना बनाना चाहिए। यही वो राह है जिस पर चलकर तुम फला कर सकोगे और तुम्हें फला हासिल हो। और सुनो, ये रुकू और सुजूद ये तुम्हारी जिंदगी का अमल खैर बन जाना, तुम्हारी जिंदगी का खुदा की जिंदगी के रंग रंग जाना, ये तो तुम्हारी जिंदगी को रोशन और साबदार बनाने के लिए जरूरी है। ये पहला काम है जो तुम्हें करना होगा। लेकिन सुनो, ये नेकी और खैर कोई मुंतजबी चीज नहीं, एक जगह खैर जाए एक जगह रुक जाए, बल्कि इस नेकी और खैर को एक जुए रवा होना चाहिए, इस नेकी और खैर को एक शैल रवा होना चाहिए, इस नेकी और खैर को उभर कर छा जाना चाहिए। नेकी और खैर इसलिए नहीं आती कि हमारी जिंदगियों के कोशों में तर्क की मौत के अंदर कुछ रोशनी आ जाए, हमारे घर वर्षन हो
हमारी सारी जिंदगी रोशन हो जाए, नहीं पूरी जिंदगी को रोशन करना है खैर से। इसलिए तुम्हें काम करना होगा अपनी जिंदगी को खैर से आरक्षा करने के बाद, अपनी जिंदगी को खुदाई नूर और हिदायत से रोशन करने के बाद, अपनी जिंदगी को मुनव्वर और अपनी जिंदगी को रोशन होता बनाने के बाद तुम्हारा काम यह होगा कि तुम अल्लाह के आने की तजात करो। इसके लिए आ जाओ सामने, नेकी और खैर का जो तस्वुर, नेकी और खौफ खैर का जो माना और नेकी और खैर का जो वकूफ इस आयत के सामने आता है वो ये है कि खैर और नेकी ना बस इस चीज का नहीं कि आदमी अपनी जाती जिंदगी में नेक और खैर बन जाए, सारे खैर बन जाए, बल्कि नेकी और खैर ये है कि आदमी नेकी को इख्तियार करे, दावत खैर लेकर उठे, खैर को फैलाने के लिए अपनी आप को पूरी तरह से लगा दे। ये नेकी किसी गार और किसी गोशे में महदूद होने के लिए नहीं आई, बल्कि इसको फैलना है पूरी हयात पर, पूरी कायनात पर उठा देना है। मुजाहिदुन लिल्लाही हक्का जिहादी कुव्वत तबाकुम वमा जाला अलैकुम फिल दीन मिन हरज। अब बताया जा रहा है तौहीद के साथ दुआएं इंतखाब किया जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला ने, ऐ ईमान आने वालों, ऐ मुल्क के ईमान ले आए हो, अल्लाह ने तुम्हें मुमताज किया है, तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारा इंतखाब किया है, इंसानों में से तुम्हारा इंतखाब किया है, तुम्हें चुना है, पहली बात इंतखाब। फिर वहां जा रहा है उनकी टीम हर्ष तुम्हारे लिए इस इंतखाब की बात, जो हिदायत जो चावल मुकम्मल हिदायत की सूत्र देती है उसमें किसी पहलू से कोई तंगी कोई तकलीफ कोई शिकायत तुम्हारे लिए थी, बल्कि क्या तक ये भी तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया है और ऐसे फूल लेकर आया है, ऐसे दार लेकर आया है, ऐसी राह लेकर आया है, ऐसा पैगाम और ऐसा काम लेकर आया है कि कयामत तक इस बदलती जिंदगी के अंदर, इस बदलती हुई दुनिया में, मुतवैर दुनिया में, तरक्की पसीर दुनिया में जिंदगी की रहनुमाई करता हुए दीन इंसान को खुदा की मंजिल की तरफ ले जाता है। ये दीन साथ चलने के लिए नहीं आया, ये दीन पीछे चलने के लिए नहीं आया, ये हिदायत इसलिए नाजिल नहीं हुई कि लोग इसको अपना कर अपनी जिंदगी के अंदर महसूस किए, सुगैर कर इसको अपनी जिंदगी में महसूस करके बैठ रहे, बल्कि ऐ नबी अल्लाह तबारक व तआला ने रवाना फरमाया ऐसी जामिल मुकम्मल, ऐसी जामिल मुकम्मल हिदायत दी कि कयामत तक इंसानों की हिदायत के लिए काफी हो जाए और इंसान उस पर अमल करने में कोई दुश्वारी दुर्गंधी महसूस न करें। इसके बाद कहा जा रहा हुआ सम मिलत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिलत हो तुम, तुम्हारा इंतखाब, इंतखाब की बात दूसरी बात कही जा रही, इंतखाब तुम्हारा ताल्लुक, तुम्हारी इज्जत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है, बतौर खास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है इसलिए किया गया, वो अमूल अंबिया वो पैगंबरों की मोम दूसरे की नस्ल से पैगंबरों का एक लंबा दूसरा जज्बा, यहूदी हो के नस्तानी ईसाई हो के यहूदी, ये सारे के सारे इब्राहिम ही को कुर्बानी के सवाल से थे और ये मक्के के मुशरिकीन भी अपनी इज्जत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दौड़ते थे। इन तीनों के दरमियान, इन तीनों के लिए मुश्तरक शख्सियत, मुश्तरक शख्सियत एक नमूने की जिंदगी, एक पुरकशी जिंदगी जिस पर इस वक्त एतमाद और ईमान था वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम का जिक्र किया और कहा कि तुम अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर हो, इंतखाब तुम्हारा यह है कि तुम इब्राहिमी हो, इब्राहिमी मिल्लत हो, तुम ईसवी नहीं, मूसवी नहीं, कुछ ये नहीं, मोहम्मदी नहीं, बल्कि तुम इब्राहिमी मिल्लत हो, वो असलमा तुम मुस्लिम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, यानी खुदा का एहसान गुजार, खुदा का तुम वफादार, इस किस्म का कुछ नहीं, न रंग न असल न जुबान न इलाका न कोई और चीज, बल्कि खुदा की तआला बंदगी, यही तुम्हारी राह, यही तुम्हारी मंजिल, यही तुम्हारा राह अमल, यही तुम्हारा प्रोग्राम और तुम्हारा काम यह है कि तुम खुदा ही की तआला करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारो, उसी ने तुम्हारा नाम से मान रखा, वो अजम्मा मुस्लिम मिन कब्लो फी हाजा। अब भी और इससे पहले भी जिन लोगों ने खुदा की तआला को इख्तियार किया, जिस नबी ने भी इंसानों को खुदा की तरफ बुलाया, उसकी राह खुदा की राह जिसका कुटाव नहीं थी, उसकी रावत बंदगी और किसका कुटाव नहीं थी, किसी नबी ने किसी रसूल ने अपनी तरफ से उनको नहीं बुलाया, उनकी परेशानियों को प्यार नहीं बताया, खुदा की बंदगी की रावत थी, ये सारे के सारे का खुदा मुस्लिम मुबीन और खुदा के फरमाबरदार बनते थे, वो असम्मा को मुस्लिम
इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम भी मुसलमान रखा, और तुमसे पहले भी जो इंसान चले वो भी मुसलमान ही थे और ये भी मुसलमान ही कहा गया, और इसलिए ताकि अल्लाह के रसूल तुम पर गवाही देकर क़यामत के दिन कि अल्लाह ताला ने उनके जरिए जो दीन रहा तुम्हारी रवाना फरमाया, अल्लाह के रसूल ने ठीक ही को तुम तक पहुंचा दिया और तुम सारे इंसानों के ऊपर शाही चलाकर गवाह बनाकर खड़े कर दिए गए, शाही तमाम जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर डाली गई, ये तुम रसूल अलैहि शहीद रसूल सरदार अल्लाह रसूल तुम्हारे ऊपर गवाही देंगे और तुम सारे इंसान पर गवाही देने वाले हो, वह इंतकाफ इंतकाफ फिर उसके बाद एक मनसब और मकाम और आपका तकर्रुर और तकर्रुर इस हैसियत से कि सारे इंसानों के सामने आलम इंसानियत के सामने आलम इंसानी के सामने क्यामत तक अलहल ईमान की जिम्मेदारी है कि वो खुदा के उसका पैगाम को जो खुदा के आपने रूह के जरिए उन तक पहुंचा है उसको ठीक ठीक पहुंचाए और अपनी अमली जिंदगी से उस पर अमल करके उसके नमूने को दुनिया के सामने रखे और पैगाम हक को उस निजाम रब्बानी को इस जमीन को प्रसारित करने के लिए पूरी तरह से अपने आप की पूरी तरह से लगा दें, मुजाहिद बिललाह हक्का जिहादी अल्लाह के राह में जिद्दोजहद करो, जैसा हक है जिद्दोजहद करने का सिर्फ मुतालबा इस बात का नहीं कि कोशिश करो जिद्दोजहद करो जैसा भी कर लो जितना भी कर लो, नहीं जिद्दोजहद करो ऐसी जिद्दोजहद के कहां पता होगा, कैसे मालूम हो क्या पता हुआ, कैसे मालूम हो क्या पता होगा हुआ कि नहीं, नहीं मोमिन जमीन एक मोमिन को दर्शाती का कोई सबको बातें करता रहता है जो किसी शाम तक उसकी वस्तु किया उसकी पूरी जिंदगी खुदा की राह में लगी हुई है कि नहीं और खुदा की राह में जिद्दोजहद का वहां पता कर रहा है कि नहीं, एक मोमिन जमीन मोमिन को सही किस्मत नहीं जिम्मेदारी है एक एक और मुस्तमी इंतखाब किया गया उसको और उसे इब्राहिम की उसकी किस्मत कायम की गई उसे मुसलमान के नाम से पुकारा गया और फिर इसके बाद पूरी मेजर से कहा जा रहा कि तुम्हें इस मुकाम पर खड़ा किया जा रहा कि तुम पर सारे आलम तक पूरी आलम इंसानियत तक खुदा के पैगाम को पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, अब क्या तक ये काम तुझे अंजाम देना होगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यामत पर खड़े होंगे और कहेंगे कि मौला जो किताबें पास आपने उनको नाजिल फरमाई थी मैंने उस किताबें पास को अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया, आप जो पैगाम मुझे दिया था उस पैगाम को मैंने आपकी अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया, उस निजाम को मैंने पहुंचा दिया और 10 लाख लोग अमीर के इलाके में उस पैगाम को पहुंचाकर उस निजाम को पूरी तरह से कायम करके एक नमूने को सामने रख दिया, मोरा मैंने पूरी कोशिश की अपनी जिंदगी को अदा करूंगा, हजार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं आपको याद दिलाऊं हजरत वदा के मौके पर जबकि आपके साथ सहाबाए किराम ने मालूम आए थे अलैहि वसल्लम के सर का एक था के भाग और समंदर था ऐसे मालूम होता था कि दौरा की मुलजूम जमीन के ऊपर पर आए हैं खाकी उन्होंने हाथ ये बंद है मौला सुभान हर को जहां से नहीं उसका दिले गए यार ये आसमान से पर आए हैं जहां सारे जमीन के ऊपर
अल्लाह उसके बचाओ, वो मौला तू वो तुम्हारा मौला है, तुझे मैं मौला हूँ, मेरा मसीह कोई बेटी मौला हूँ, बेटी मदार है। मैं अपनी बात को इस बात के ऊपर मैं खत्म करूंगा और खत्म करना चाहूंगा और आपकी तरफ से मजबूर कर रहा हूँ इस बात के ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है भर अल्लाह ता लाखों करोड़ों सलाम दूर हो साथ ही अंतर विधान माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। क्या आपने अपनी पूरी जिंदगी में बताया कि तवक्कुल क्या है, तदबीर क्या है, तदबीर क्या है, तकदीर क्या है, एतमाद अल्लाह किस चीज का नाम है, सही मुतहर किस चीज का नाम है। बद की राय को लिखे सन दो हिजरी के अंदर लड़ाई हो रही है मैदान दोनों में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र भर की मेहनत का साफा लेकर मैदान में पहुंचते हैं, जो कुछ मिला लेकर पहुंचते हैं, जिस हाल में भी हुआ, जिस हाल में जो कुछ मिल सका उसको लेकर के आप पहुंचते हैं, उस रब के साथ पहुंचते हैं। अल्लाह का हाल ऐसा कि टूटी ही कर पा रहे हैं और सवाली ऐसी कि पूरे लश्कर में पांच आदमी के पास कूप है जो कभी उठते बैठते चढ़ते उतरते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और जब मैदान बदल पहुंचते हैं आप चैन करता है और सबसे जब कुछ होनी शुरू हो जाती है, जंगल शुरू हो रहा होता है, तो खीमे रंगीन लिए मंदिर देखने को मिलता है कि अल्लाह का सूर पूरी आशीर्वाद के साथ अपने आप खुदा के सूर डाले हुए हैं और पेशानी है कि मौला के सूर जीती भी है और जवान सूत्र कह रहे हैं। आप हम उठाते हैं फिर धंधे में जाते हैं और फिर मौत करते हैं। बाजू ही खड़े हुए थे वो उससे कहने के बार बार ये बेकरार मौन को देखकर, आपकी बेकरारी को देखकर, आपकी संसद मुआओं को देखकर, उस घोष मुआओं को देखकर और सुनकर कहने से किया रसूल अल्लाह अफसर उठाइए भी, अफसर उठाइए भी, अल्लाह आपकी सुन आपकी सुनेगा तो किसकी सुनेगा, अफसर उठाइए भी, इंशाअल्लाह पता आपको हासिल होगी। आप गौर फरमाइए 15 साल का पूरा सफा आज मैदान में मौजूद है, सारी तदबीर कर ली लेकिन इनमें से किसी चीज के ऊपर तवक्कुल नहीं किया, तदबीर को तदबीर के दर्जे ऊपर हमें रखा और तवक्कुल अल्लाह की साथ रखी, तदबीर इंतहा की, तदबीर इंतहा की और इस तरह तदबीर आपने करने की कोशिश की, इस तरह तदबीर की, ऐसा मालूम होता था कि सारी फिक्र सारी तवज्जो सारे दिमाग तदबीर ही की तरफ है, लेकिन इनमें से किसी तदबीर के ऊपर कोई एतमाद कोई तवक्कुल नहीं किया, तवक्कुल अल्लाह की साथ के ऊपर, तदबीर इंसान की जिम्मेदारी, तवक्कुल अल्लाह की साथ के ऊपर, नतीजा अल्लाह के हवाले। अल्लाह आज इस दुनिया के अंदर आप इस दाव से हम को लेकर खड़े हुए हैं, मेरे अजीज नौजवानों तुम खड़े हुए हो इस पैगाम को लेकर और आज इंसान हमारी नई नस्ल जिस जिन राहों को दौड़ भाग रही है उसके सामने तो मंजिल नहीं और न की ख्वाहिश आप पूरा करने के सिवा कोई मकसद उसकी जिंदगी में नहीं है। जरा तो दूर रही कि सारे मजीनत में आज इंसानी नस्लें गिरी हुई है और गिरती चली जा रही है और तुम इसका दूसरा उत्तर खड़े हो गए हो कि तुम खैर के रंगदार बनकर अपनी जिंदगी को खैर से आराम से देकर और खैर की दावत देते हुए खैर की तरफ बुलाते हुए खैर को फैलाने और शर को लुटाने के रूप से खड़े हुए हो, तुम्हें काम इस तरह को लल्ला ताला के ऊपर रखना चाहिए। पूरी सही वो तस्वीर उसमें कोई कदम ना रखो लेकिन तरफ अल्लाह पर किए रखो और किसी तरह के हालात में कैसे ही नादानदार हो, कैसे ही वो दुकानदार हो, कैसी नादानदार हो, कैसी मुखिया और कैसी मवाले वाके हो, लेकिन तुम्हें कभी मायूसी को अपने तरीके नहीं आगे देना चाहिए, अल्लाह की साथ के ऊपर तुम्हें काम इस तरह होना चाहिए। फजल रहमा हो तो क्या डर है, हम निगेवा हो तो क्या डर है, जिसकी सीधा ना खुदा खुदा हो ला सुपा हो तो क्या डर है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को और इन अहले ईमान नौजवानों को वो यकीन कामिल वो अमल साले वो सही खैर की तौफीक दे जो अहले ईमान की जिम्मेदारी है और उसके करने का काम है और अपनी नुसरत रहमत को शामिल हाल फरमाए, उनकी राहें उन पर खोले, उनके उनके लिए राह आसान करे, उन्हें वसाल फराहम पहुंचाए और हर तरह के आफात और फितनों से निजात महफूज रखे और इनके अज़्म को सुस्त और
और उसके इरादों को कमजोर रख करके दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ अपनी राह पर हमें चलाए, चलाता रहे, यहाँ तक इसी बात को करते हुए वो खुदा तक पहुँच जाए। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउ अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत्तवाबुर रहीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआन अज़ीम व नफ़अ इय्याकुम बिल नबुरा इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्र हकीम इन्नहु तआला जवादुन कदीमुन करीमुन व रब्बुल हलीम। الحمد لله نحمده ونستعينه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد افضل صلواتك على معلوماتك وعلى اله واصحابه وازواجه واولاده واحفاده اجمعين. وصلى الله على الناس بعد الانبياء امير المسلمين رضي الله تعالى عمر الفاروق عثمان بن نورين ولي المرتضى والحسنين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. ولا سيد النساء فاطمه الزهراء ولا قمر الكريمين وكل من اختاره الله بالقوه التي بالايمان وطالهم بالاحسان. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. رضيك الله اعلى واولى واجل واكبر.
Allahu Akbar. Allahu